हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। जे विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। जे विजय और संजय तीन साझेदार हैं और उनका लाभ हानि अनुपात जो है वो 2:1:1 है। विद कैपिटल ऑफ ₹28,800, ₹19,200 एंड ₹14,400 रिस्पेक्टिवली। इन तीनों की जो पूंजी है, जे की है ₹28,800, विजय की है ₹19,200 और संजय की है ₹14,400। ठीक है। विच इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इज पेबल, और इनकी जो कैपिटल है उस पर 5% प्रतिवर्ष से इंटरेस्ट दिया जाता है पूंजी पर। संजय गेट सैलरी ऑफ ₹7,200 पर एनम। संजय को सैलरी मिलती है 7,200 वार्षिक एंड विजय गेट्स कमीशन ऑन ग्रोस सेल्स एट 3%। और विजय जो है उसको टोटल ग्रोस सेल्स पे, मतलब जितनी भी सेल्स हुई उस ईयर में, उस पे 3% कमीशन मिलता है। द फर्म शोड प्रॉफिट ऑफ ₹27,600। उस ईयर का जो प्रॉफिट है फर्म का वो ₹27,600 है। ग्रोस सेल्स अमाउंटिंग टू ₹3,36,000 और जो ग्रोस सेल्स है उस फर्म की उस साल की वो ₹3,36,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला ₹192, ₹240 एंड ₹288 रिस्पेक्टिवली। तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, मतलब जो उन लोगों ने पैसा निकाला है फर्म से ड्रॉइंग के रूप में, उस पर इंटरेस्ट लगा है 192, 240, 288। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैं सेम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में ना हो, तो आप सेकेंड क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था इसका, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना हुआ है पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय साइड में उस ईयर का प्रॉफिट, बाय बैलेंस बी उस ईयर का प्रॉफिट। तो उस ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया रखा है, 27,600, 27,600 उस साल का प्रॉफिट ही। ठीक, इसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन में क्या है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे विजय और संजय, तीन पार्टनर जे विजय संजय, जे की जो कैपिटल है वो 28,800 है, 28,800। इसका 10% निकाले तो 2880, मतलब 2880, और 5% कर दें, या तो आप इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें। 28,800 का 5%, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 25, 5 अच्छे 40, 2 42, 42 और 5 अच्छे 40, 44 और 5 दिन 10 और 4 14, कितना आ गया, सॉरी 1 0 ज्यादा हो गई, 1442 रुपए, 25, 5 से 40 और 2 42, 5 से 40 और 4 44 और 5 दिन 10 और 4 14, 1 0 हमने ज्यादा कर दी, इसलिए 1 0 ज्यादा आ गई, सॉरी 28,800 रुपए है कैपिटल, 28,800 का 5%, 2 से 2 कैंसिल, 8 में 40, 0 फिर 8 में 40 और 44, 5 दिन 10 और 4 14, 1,440, ये 5% आ गए। जे की, विजय की कैपिटल है 19,200, विजय 19,200 का 5%, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 10, 9 5 45 46, 5 6 5 4 9, 960 रुपए, यानी 960। और संजय, संजय की कैपिटल है 14,400, इसका 5%, 2 से 2 कैंसिल, 5 6 20, 5 6 20 22, तो 5 5 5 और 2 7 7, ये तीनों की कैपिटल आ गई पे इंटरेस्ट, जो तीनों की कैपिटल थी वहां पे हम 1 0 ज्यादा लगा रहे थे इसलिए बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। जे की जो कैपिटल है वो 28,800, उसका 5% निकाला 1440, विजय की कैपिटल है 19,200, उसका 5% 960, और संजय की कैपिटल है 14,400, उसका 5% 720। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 0 6 4 10 12, 2 10 4 14 7 21, 2 और 3, तो तीनों की कैपिटल में जो इंटरेस्ट आया वो आ गया 3,120 रुपए, 3,120। नेक्स्ट,
अब संजय, संजय को सैलरी मिलती है 7,200, यहां लिखेंगे टू सैलरी संजय। तो संजय को सैलरी मिल गई 7,200, 7,200 रुपए पूरे साल भर की। तो पूरे साल भर की ही देना है आपको सैलरी जब तक क्वेश्चन में और कुछ ना कहा जाए, ठीक है। नेक्स्ट, विजय को कमीशन मिलेगा 3% टू कमीशन विजय। तो विजय को सेल्स का 3%, तो सेल्स कितनी दे रखी है 3,36,000, मतलब 3,36,000 रुपए सेल्स दिए, इसका 3% कमीशन निकालना है। 2 से 2 कैंसिल, 0, 6 से 18, 3 3 और 10, 3 3 और 10, अरे 3 3 और 10, 10,080, ठीक है। ये कमीशन आ रही है इसको विजय को 10,080। अब इसके बाद बाय साइड में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जे, विजय और संजय, तो जे का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो है 192, 192, विजय का है 240 और संजय का है 288। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समझते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब ये है कि जे तीनों पार्टनर ने उस साल फर्म से जितना भी रुपया अपने पर्सनल काम के लिए निकाला है, ड्राइंग का मतलब ये होता है पर्सनल काम, ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि ड्राइंग क्या चीज है। तो ड्राइंग जितना भी पैसा उन्होंने अपने पर्सनल काम के लिए निकाला है, नॉट बिजनेस, तो उस पर फर्म, जो इन तीनों की फर्म है उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर दें, 8 और 2 10, 10 और 18 4 22, 2 2 4 6 7 7 20, ये 720 रुपए के आ गए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब क्या बचा, प्रॉफिट हमने लिख दिया, सेल्स हो गए, कमीशन हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करें, टोटल लगा लें, यहां का भी टोटल ज्यादा है, कहां का ज्यादा दिख रहा है आपको, यहां का ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ज्यादा वाले टोटल को दोनों तरफ लिखना है आपको, ज्यादा वाले टोटल को, अगर यहां का टोटल ज्यादा होगा तो इसको भी फिर दोनों तरफ लिखेंगे तो फिर लॉस आएगा, ठीक है। इसको ऐड कर दें, 0 2 7 6 13 3 1 7 8 और 2, 28,320, 28,320। इसमें से हम क्या करेंगे, इन सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, ठीक है, इसको हटा दो, 28,320 में से माइनस, ये तीनों को माइनस कर दें तो ये कितना हो रहा है, 10 और 7 17 3 20,300 400, 20,400 हो रहा है। 0 2 9 7 7,920 ये प्रॉफिट बचा है, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 7,920 रुपए प्रॉफिट बचा है। ये प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, तीनों पार्टनर में, टू नेट प्रॉफिट, जय, विजय और संजय। अब तीनों का जो रेशियो है, तीनों का रेशियो कितना है, 2:1:1, मतलब 2:1:1, तीनों को ऐड कर दो, तो 2 और 1 3 और 1 4, मतलब जय का है 2/4, विजय का है 1/4 और संजय का है 1/4, मतलब 1/4, 2/4, 1/4, 1/4, ठीक है। इस प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1:1 में, तो जे को 7,920 का 1/2/4 इससे कैंसिल कर दो, 2 6 1 9 6 0, 3,960, तो जे को मिल गए 3,960 रुपए, ठीक है। विजय को 7,920 का 1/4 चार से कैंसिल कर दें, 1 बार 3 39, 4 9 36, 3 4 8 32, 1980, 1980। अब संजय का भी 1/4 ही है, तो जो विजय का आया 1980 वो भी इसी का आएगा 1980। इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है,
कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो। मतलब अगर आपको कोई भी चीज अलग से दिख रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या आया। ठीक है, बाकी जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था वही फॉर्मेट में है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे प्रॉफिट लिखते हैं, हमने बाय साइड में प्रॉफिट लिख दिया, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय साइड। मतलब अब आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज कहां पर आएगी। देखिए क्वेश्चन में सब चीज दी रही कि इंटरेस्ट, ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हर चीज आए। जैसे हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कमीशन ना हो, सैलरी ना हो, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट ये नहीं कि सर ये सारी चीजें ही आएंगी। मतलब जरूरी नहीं है कि ये पूरे मैटर आए हर क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना दी हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें प्रॉफिट ना दिया हो, लॉस दिया हो, तो ये आप सारी चीजों को याद रखना है। भाई मैंने बताया था कि फॉर्मेट जब आप पढ़ेंगे ना, फॉर्मेट को आप एक अच्छे से याद कर लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो कैपिटल दी रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बोल रहे हैं और कैपिटल ना दी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो कैपिटल दी होगी उस पर इंटरेस्ट हम लगाएंगे। अब कितना परसेंट दिया होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा सैलरी, अब सैलरी किस पार्टनर को मिल रही है तो वो क्वेश्चन में दी रहेगी। कमीशन किस चीज पे कमीशन मिल रहा है, सेल्स पे मिल रहा है या प्रॉफिट में मिल रहा है, किस चीज पे मिल रहा है, तो उसका प्रॉफिट वो दिया रहेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है उसमें। ठीक है, इसके बाद अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो या तो वो निकाल कर देंगे क्वेश्चन में, जैसे अभी हमने जो दो क्वेश्चन ये क्वेश्चन कराया ना इसमें निकाल के दी हुई है हमने, अगर वो निकाल के नहीं देते तो इसमें ड्रॉइंग भी दे रखी है और उस ड्रॉइंग पे हम क्या करते फिर निकालते। मतलब उसका जैसे अगर वो बोलते कि 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो 5% फिर हम उसका कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में दी हुई है तो हमने लिख दी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें जब हमने लिख ली तो फिर हमें देखना है कि इस इन खर्चों के बाद, मतलब इन एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट हो रहा है फर्म को या लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा होगा तो टू साइड का टोटल ज्यादा आएगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो बाय साइड का टोटल ज्यादा आएगा। अब बाय साइड का टोटल, जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकला है तो हमने बाय साइड का टोटल लगा दिए 28,320। अब इस टोटल में से हमने क्या करा, इसको माइनस कर दिया। बैलेंसिंग, इलेवंथ में आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा होगा, इलेवंथ में आपके टीचर्स ने आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया होगा। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते थे, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता था, बैलेंस मिलाते थे, तो वो ही बैलेंस है, कुछ भी नहीं है अलग। जैसे ट्रायल बैलेंस पर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आता था, तो वही हम ये कर रहे हैं। हमने टोटल लगा दिए, ज्यादा वाले टोटल में से कम वाले टोटल को माइनस कर दिया तो ये प्रॉफिट आ गया। अब जो प्रॉफिट आ गया तो उसके बारे में भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैसे बांटना है प्रॉफिट आपको, जैसे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही नहीं दिया तो इसका मीन्स है कि वो जो प्रॉफिट बचा है वो तीनों पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब बराबर। जैसे अगर आप बोलेंगे सर उस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट दिया ही नहीं है कि कैसे बांटे, तो जब नहीं दिया होगा तो सबसे फर्स्ट डे जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि अगर पार्टनर्स में डीड ना बनी हो, मतलब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस हो, साझेदारों के बीच में कोई भी समझौता ना हुआ हो, तो फिर दो नियम लागू होते हैं। मैंने दो नियम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। पहला नियम क्या है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको। और सेकंड रूल ये था कि प्रॉफिट हो फर्म को या लॉस हो, उन पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इक्वल मतलब बराबर, दो पार्टनर है तो बराबर 50-50%, तीन पार्टनर है तो 1/3-1/3। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। और इसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने किए हैं नवबोध बुक से। ठीक है, हमने प्रेफर किए शिवलाल बुक, एक्चुअल में मेरे पास थी नहीं आज तो इसलिए मैंने नवबोध से क्वेश्चन करा दी। अब ये क्वेश्चन शिवलाल में भी दिया हुआ है, जे विजय संजय वाला ये क्वेश्चन शिवलाल में भी दिया हुआ है। और क्वेश्चन किसी भी बुक से हो पैटर्न यही है, फॉर्मेट यही है, मेथड यही है। मतलब आप चाहे शिवलाल से करें या डीके गोयल से करें, टीएस ग्रेवाल से करें या एस चांद से करें, किसी से भी करेंगे तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा अब जो हमने फॉर्मेट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा था, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर हम करेंगे लेक्चर में तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है।